हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ए सीरीज़ फॉर जेई 2020 रिवीजन, और इसको हमने नाम दिया द लास्ट लैब। और इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आईआईटी जेई में, जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनसे हम थ्योरी भी कुछ इलस्ट्रेट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन वी विल ट्राई टू पिक इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स एंड दैट वी विल डिस्कस। तो दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है, और उसमें लाइन्स ऑफ थिंकिंग क्या होगा, मतलब जो हमारा इस सीरीज़ को लाने का पर्पज़ है वो ये है कि हम पूरे सिलेबस को एक बार ब्रश अप कर लें। ऑफकोर्स एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बट जो जेई में क्वेश्चंस में 2020 या 2019 में जो इम्पॉर्टेंट जो अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सेलेक्ट करके वी कैन डिस्कस, और उसमें थॉट प्रोसेस क्या होता है, हमें क्या सोचना चाहिए, ये सब चीज़ें भी वी कैन डिस्कस। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि एक घंटे में, जैसे आईआईटी जेई के अंदर हमें 25 क्वेश्चंस करना होता है, तो यहाँ पे हम वो 25 क्वेश्चन एक घंटे में प्रेजेंट करके दिखा दें, बिकॉज दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ इट। ये ठीक है, अगर हमें प्लेन सोल्यूशन ही चाहिए वो तो काफ़ी पीडीएफ तुम्हें नेट पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा पूरे पेपर का, और यूट्यूब पे भी तुम्हें कुछ वीडियो ऐसा मिल जाएंगे जिसमें यू विल फील के उन्हीं पीडीएफ्स को पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे पर्पज़ इज़ नॉट दैट, यहाँ पे पर्पज़ इज़ कि तुम्हारे अंदर कुछ कैपेबिलिटीज, एनालिसिस की कैपेबिलिटी को और इन्हेंस किया जाए, या फिर क्वेश्चन में जिसे बोलते हैं ना कि एक वो तुम्हें इनसाइट दिया जाए कि अच्छा क्वेश्चन में हम ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर ऑप्शंस में हम ये बोलते हैं यार ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकता। इस तरह की चीज़ें वी विल ट्राई टू डू। तो ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू कवर एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, बट डू नॉट एक्सपेक्ट अस टू सॉल्व एक घंटे में 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चंस। जो भी ये क्वेश्चन लेंगे वी विल ट्राई कि उसमें लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, ठीक है, थ्योरी किस बेसिस पे बनाया गया होगा, और कुछ कुछ चीज़ें प्रोजेक्शन के शायद आगे चल के क्वेश्चन में ऐसा हो रहा होगा, कुछ ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही हो रहा हो, बट हमारी एक लाइन ऑफ थिंकिंग तो है ही ना, विच विल हेल्प अस इन रीचिंग द सोल्यूशन, और एसोसिएटेड थ्योरी जो है ये, ठीक है, हमारे दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, इस तरह का हम करने की कोशिश करेंगे इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। सो दिस विल बी मेरे ख्याल से फाइनल रिविजन टाइप चीज क्वेश्चन के थ्रू। अब बहुत सारे बच्चे अपनी थ्योरी पढ़ पढ़ के बिल्कुल बोर हो गए होंगे, वापस वही नोट्स पढ़ना होने लगता है, सब कुछ आता है, बट फिर भी दिस शुड बी ए समथिंग रिफ्रेशिंग कि बोर भी ना हो, हमें कुछ चीज़ मज़ा भी आए, और यही इस चीज़ का पर्पस है। अब थोड़ी सी सितंबर 1 से लेकर 6 तक जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी तो है, बट स्टिल फ्रॉम आर साइड वी शुड बी प्रिपेयर। तो यही ध्यान में रखते हुए हम ये सेशंस लेके आए हैं इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, जिसमें वी विल ट्राई टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स मेंस में ऑलरेडी आया हुआ है, उनको वी विल ट्राई टू डिस्कस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, उसने बोला कि y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज टू पावर y dy बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएगा। उस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने ये बता रखा है कि x बराबर 0 पे y बराबर 0 है। तो 0 0 इसके ग्राफ के ऊपर है, देयर इट पासिस थ्रू ऑरिजिन। ग्राफ जब इक्वेशन आ जाएगा फिर हमें x बराबर 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, करेंगे कैसे? ऑफ कोर्स अगर इस तरह का चीज़ दिखाई दिया, जैसे e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर y डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई दिया, तो एक चीज़ तो हमारे दिमाग में आ सकता है, यार e रेज टू पावर x है तो क्या ऐसा है कि dx के साथ e रेज टू पावर x आ जाए, सो दैट के हम e रेस्ट पर x को t बोल दें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन कर दें e रेस्ट पर x चला जाए, या फिर e रेस्ट पर y dy के साथ आ जाए, और बचे हुए एक्सप्रेशन में हर जगह e रेस्ट पर y का ही टर्म लिखा हो, इस तरह की कुछ चीज़ होगी पहली चीज़, तो वो तो इसमें होगा नहीं। e रेस्ट पर y dy के साथ आएगा, और एक साथ में यहाँ पे भी आएगा, वैसे e रेस्ट पर y को हम बिल्कुल इस वाले केस में नहीं है, मतलब e रेस्ट पर y इसके साथ आ गया, e रेस्ट पर y आ गया, तो एक e रेस्ट पर y dy के साथ आ गया, और बचे हुए एक्सप्रेशन में e रेस्ट पर y के टर्म्स में ही टर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस लाइन पे भी जा सकते हैं कि हम e रेस्ट पर y को कैपिटल y बोल दें, तो ये d कैपिटल y बाई dx हो जाएगा,
ठीक है, चलो हम एक तरीके से तो यही बोल सकते हैं कि e रेस्ट टू पावर y dy वाई बाई डी एक्स माइनस e रेस्ट टू पावर y बराबर e रेस्ट टू पावर x। अब हमने इसमें क्या किया, e रेस्ट टू पावर y को कैपिटल y बोल दिया, तो ये हो जाएगा d कैपिटल y बाई डी एक्स, ये तो स्मॉल x ही है, माइनस कैपिटल y बराबर e रेस्ट टू पावर x। ठीक है, अब ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट याद रखा, मतलब शॉर्टकट नहीं, वही रिजल्ट है, हमने बीच के दो तीन स्टेप छोड़ के फाइनल फॉर्म में रिजल्ट याद कर लिया ताकि हमारा थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। राइट हैंड साइड इंटू ई रेस्ट पर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे लिखा क्या है वैसे माइनस वन, उसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स, तो e की पावर में कितना हो जाएगा माइनस एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे यू विल गेट e रेस्ट टू पावर, राइट हैंड साइड इज e रेस्ट टू पावर एक्स, सॉरी यहां हमें लिखना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो राइट हैंड साइड इज e रेस्ट टू पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये तो वन हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। ठीक है, अब y हमने किसको बोला था, e रेस्ट पर y को, तो ये हो गया e रेस्ट पर y e रेस्ट पर माइनस एक्स एक्स प्लस सी। अब ये जीरो जीरो से पास कर रहा है तो c इज इक्वल टू कितना आ गया वन, क्योंकि यहाँ जीरो हो गया, ये जीरो जीरो वन हो गया, तो c इज इक्वल टू वन आ गया, इसको वापस रख दिया, तो e रेस्ट पर y e रेस्ट पर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, या e रेस्ट पर y बराबर e रेस्ट टू पावर एक्स एक्स प्लस वन। हमें क्या चाहिए, एक्स बराबर वन पे वैल्यू चाहिए, तो और चलो एल एन ई रेस्ट टू पावर एक्स एक्स प्लस वन, तो वाई एट एक्स इज इक्वल टू वन विल बी वन रखा, तो ये हो जाएगा टू, तो एल एन ई टू, ठीक है, इसको सेपरेट किया तो एल एन ई वन हो गया प्लस एल एन टू हो गया, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, एक तो ये हो गया, देखो दूसरा और तरीका हम और क्या देख सकते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड स्ट्राइक हो जाएगा आराम से। जैसे ये वन लिखा है, ये डी वाई बाई डी एक्स, उसने खुद ही इस फॉर्मेट में लिख के दे दिया, काफ़ी कुछ हिंट तो इसने खुद ही दे दिया कि ये देखो डी वाई बाई डी एक्स है, इस वन को मैं ऐसे लिख लूँ डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वन आ जाएगा, इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर ये एक्स हो गया, और इसको इधर से ले जाएं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, इन दोनों को एक साथ मिला के हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स बराबर ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वाई। अब इसको भी मैं लेफ्ट पे ले आऊं तो आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर वाई माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, मतलब ये तो मैं तुम्हें एक एक स्टेप में लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इसके बाद सीधा ये लिख सकते थे कि डी वाई माइनस एक्स बराबर डी एक्स। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो वाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव वाई माइनस एक्स की टर्म्स में, तो वो तो सिंपली ई रेस्ट पर वाई माइनस एक्स आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स प्लस वन, ये ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली यहाँ पहुँच गए, इसके आगे का प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो ये डूएबल क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में अगर आता है तो हर बच्चे से होना चाहिए, मतलब अगर ये छोटी सी चीज़ क्लिक कर गई तो मैं थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, अगर ये क्लिक नहीं करता है तो भी हम प्रॉपर प्रोसीजर से जाएंगे तो भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज आर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में उसने क्या बोल रखा है कि एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये दे रखा है फॉर ऑल एक्स वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव फिक्स नंबर, मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं, देन वन अपॉन ए प्लस बी, ये वाला चीज, ठीक है। अब इसको हमें वापस एफ एक्स के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, गुड। अच्छा, अगर तुम लिमिट्स की तरफ देखोगे
तो यहाँ ए माइनस वन बी माइनस वन ए प्लस वन बी प्लस वन ऐसे करके लिमिट्स आए हुए अंदर केवल एफ एक्स है, ए की एफ एक्स का टर्म। तो ऑब्वियसली बात क्या है कि हमें एफ के बारे में और कुछ भी नहीं पता इस रिलेशन के अलावा, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में यहाँ से मेरे को हिंट लग जाना चाहिए कि ए प्लस बी माइनस एक्स वाली जो प्रॉपर्टी होता है, या कुछ लोग उसको किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ऑफ कोर्स ये जो दो एफ के टर्म है वो सिंगल एफ के टर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, अगर लिमिट ए और बी है और इसको ए माइनस वन बी माइनस वन करना है, तो मेरे को इसमें एक्स माइनस वन बराबर वाई रखना पड़ेगा। तो जब हम एक्स माइनस वन बराबर वाई रखेंगे और एक्स की जगह ए और बी रखेंगे, तो लिमिट अपने आप ए माइनस वन बी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को मतलब एक्स माइनस वन बराबर वाई, ठीक है, और अगर ये दोनों चीज़ चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस वन बराबर वाई रखेंगे। तो जब एक्स की जगह ए रखेंगे तो वाई का वैल्यू जो नया वेरिएबल है सब्स्टिट्यूशन करते समय वो ए प्लस वन हो जाएगा और बी प्लस वन ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से चालू करते हैं, इसी के वैल्यू निकालना है। तो वन अपॉन ए प्लस बी, मान लिया ये आई के बराबर है, तो दिस इज ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम बाई पार्ट्स वगैरह भूल सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर बाई पार्ट वगैरह लगाएंगे तो फिर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दूसरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर में तो हमें सब कुछ वापस एफ के टर्म्स में चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इस एक्स से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा, बिकॉज किसी भी ऑप्शन में बाहर एक्स नहीं है, ठीक है। अब इस एक्स से छुटकारा पाने के एक ही तरीका है, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई। सो दिस इज ए प्लस बी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो गया, ए प्लस बी। तो अंदर डी एक्स को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है सब जगह एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रख दिया। सो दिस विल बी ए प्लस बी माइनस एक्स, इस एक्स की वजह से ही आ गया, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये तो हमने रख दिया एक्स की जगह, और प्लस वन अलग से लिखा हुआ था, तो प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को यूज करके ऐसे लिखा है ना, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये है तो ये वाला टर्म तो एग्जैक्टली वही बन गया, तो इसको तो हम वापस एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी, ए से लेके बी तक ए प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, यहीं से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखो ये एक्स मेरे को चाहिए नहीं, तो फिर क्या हो रहा होगा कि ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाने से ये एक्स और ये एक्स आपस में जोड़ने से कैंसिल हो जाना चाहिए, या फिर इसको ऐसे बोलेंगे कि वो एक ही बात है कि एक्स इन टू ये वापस आई बन जाना चाहिए ताकि हम इसको इधर ले जाएं, ठीक है। अब अगर इस एक्स से हमें छुटकारा चाहिए तो इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ब्रैकेट वाली चीज़ सेम आनी चाहिए, ठीक है, तभी तो ऐड होगा, तभी तो वी विल गेट रिड ऑफ दिस एक्स। और यहाँ से भी तुम्हें देखो काइंड ऑफ हिंट लग जाना चाहिए, कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब एक स्टेप आगे का सोचते हैं ऐसा हो रहा होगा शायद, तो बाकी के टर्म्स देख के मेरे को और भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे ये ए प्लस बी है, ये इस ए प्लस बी की छुट्टी कर देगा जोड़ने पे, तो यहाँ से भी आ जाना चाहिए कि शायद अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस एक्स, अंदर हमने क्या बोला, मेरे को वापस ये चाहिए सो दैट आई कैन ऐड दीज टू इक्वेशंस एंड आई कैन गेट रिड ऑफ दिस एक्स, ये पर्पस है, ठीक है। तो ये इस वाले रिलेशन को यूज करके एफ एक्स आ गया। देखो हम कैसे खुद ही प्रेडिक्ट करेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन जो है ना हमारी फिट बैठेगी। जैसे ये एफ एक्स है और मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, तो मेरे को अभी हिंट रख जाना चाहिए कि यार यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस वन आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, ए प्लस बी तो चाहिए नहीं, तो मेरे को ए प्लस बी से तो छुटकारा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब एफ में, एफ के लिए इस इंफॉर्मेशन के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल ये इंफॉर्मेशन दे रखा है बस, तो जहां पे भी लगेगा यही लगेगा बस। इसमें अच्छी बात क्या है, इसने आगे लिखा है फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स कुछ भी रखो
ए प्लस बी प्लस वन के आगे अगर हमने माइनस एक्स लिखा है तो ए प्लस बी प्लस वन एंड वो माइनस, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, केवल एफ एक्स बचे। ठीक है, तो अगर मेरे को इस वाले टर्म को मैनिपुलेट करना है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको मैनिपुलेट करना है, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें तो ये चाहिए ए प्लस बी, फॉर ऑल एक्स का मतलब ये होता है माइनस, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दो ऐसे, दैट विल बी एफ ऑफ, जो भी लिखोगे वही यहाँ आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स का मतलब ये होता है। तो मतलब ए प्लस बी प्लस वन चाहिए, तो इसमें हमने क्या किया, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस वन अपनी तरफ से जोड़ा, अब वन जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस वन किया माइनस वन किया, और ये वाला माइनस एक्स है, माइनस वन और माइनस एक्स को एक साथ क्लब कर लिया। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है फॉर ऑल एक्स, ये पिक्चर में आ जाएगा, ये क्या बोलेगा कि ए प्लस बी प्लस वन के आगे जो भी लिखा है वो एफ के अंदर एज इट इज आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन को यूज करके ए प्लस बी माइनस एक्स को वी कैन राइट डाउन एफ ऑफ जो भी आगे लिखा है एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसी रिलेशन की वजह से इस वाले टर्म को आई कैन राइट डाउन एफ ऑफ एक्स प्लस वन या आगे। ठीक है, बस अब हो गया ये फर्स्ट सेकंड, ये ठीक है फर्स्ट प्लस सेकंड कितना हो जाएगा, मैं ये भी आई है, ऑफ कोर्स ये भी आई है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा टू आई, ये वन अपॉन ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, लिमिट सेम है, और जो ब्रैकेट है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन ये भी सेम है, ये चीज और ये चीज ऐड होगी तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स यहां से आ जाएगा एक्स, तो उसका समेशन में कितना बचेगा ए प्लस बी डी एक्स, अब ये कैंसिल हो गया तो आ गया टू आई इज इक्वल्स टू ए से लेके बी तक एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, चाहे तो इसको भी हम अलग अलग कर लें, ए टू बी इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इन दोनों टर्म्स का ये। ठीक है, अब सेकेंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले को तो ऐसे लिखा रहने दिया, प्लस सेकेंड वाले टर्म में हमने क्या किया, ए प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाया, तो ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, ये फिर दोबारा इसी को यूज कर लिया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये दोनों इंटीग्रल एक ही हो गया, तो इसको जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस विल बी टू आई, टू टू कैंसिल। पहले तो हमने ऑप्शंस को देख के क्या हिंट लगाया कि सब कुछ कट पिट के एक एफ बच जाए, लिमिट का तो उसके बाद देखेंगे, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट किया, इसको कन्वर्ट किया, एक एफ एक्स बच गया, अब कन्वर्ट करेंगे लिमिट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में देखो ये दोनों तो मैच हुआ नहीं, इसमें तो एफ एक्स लिखा है और बट लिमिट ए से बी तक है, वो ए माइनस वन से बी माइनस वन तक है, ए प्लस वन से बी प्लस वन तक है। अब इन दोनों पे बात आ गया, इन दोनों में आर्ग्यूमेंट एक्स प्लस वन है, तो अगर मेरे को इस एक्स की जगह एक्स प्लस वन चाहिए तो हमने एक्स की जगह टी प्लस वन रख दिया, या टी की जगह एक्स माइनस वन रख दिया, तो डी टी हो जाएगा डी एक्स, एंड जो लिमिट्स हैं एक्स की जगह अगर हम ए रखेंगे तो टी की जगह नया लिमिट कितना आएगा ए माइनस वन, एक्स की जगह अगर हम बी रखेंगे तो ये वाला लिमिट कितना आ जाएगा बी माइनस वन, एफ ऑफ एक्स की जगह टी प्लस वन डी टी। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का कि कुछ भी लिखो आर्ग्यूमेंट में ये, ठीक है, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करो, जेड के रिस्पेक्ट में करो, अल्टीमेटली तो इस टी की जगह बी माइनस ए माइनस वन रखेंगे तो फाइनल आंसर में टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टी लिखो, जेड लिखो, पी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हैंस दिस विल बी इक्वल्स टू ए माइनस वन से बी माइनस वन तक एफ ऑफ, इसको वापस एक्स बोल दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये ए माइनस वन टू बी माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस वन।
ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री। इसने बोला कि एफ एक फंक्शन है जो जिसका डोमेन -7 से 0 तक है और कोडोमेन आर है, ठीक है, गुड। बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन -7 से 0, मतलब इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, और डिफरेंशियबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल। अब ये चीज़ पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, रोल्स थ्योरम, LMVT, वहीं पे इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि इस क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशियबल है, ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एंड इफ़ एफ ऑफ -7 इज़ इक्वल टू -3, तो मतलब -7 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कुछ -3 दे रखी है, एंड एफ डैश इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये ठीक है। एफ डैश हो तक है वैसे फंक्शन के इंक्रीज करने की रफ्तार होती है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है कि 2 के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बढ़ेगा अगर रेट फिक्स है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है, तो अगर एफ डैश एक्स बराबर 2 आ जाए तो ऑफकोर्स एक स्ट्रेट लाइन पर होगा जिसका स्लोप 2 होगा, ठीक है। ये इसने बोला कि जो 2 वाला चीज़ है वो मैक्सिमम है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचें ऐसे करके ना, जिसका स्लोप 2 है m = 2, तो अगर इस फंक्शन के बढ़ने की रफ्तार 2 या 2 से कम है तो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऊपर इसी लाइन के ऊपर चल सकता है, ये ठीक है, वरना हमेशा इसके नीचे ही रहेगा अगर उसका रेट कम है तो, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस एंड फॉर ऑल सच फंक्शन एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 0 लाइज इन, उसने बोला कि एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 0 ये किस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक, किस इंटरवल में लाई करने का सीधा सीधा सा मतलब क्या है, व्हाट ही इज आस्किंग। उसने अभी तक इन्फॉर्मेशन क्या दिया एफ के बारे में, कुछ नहीं, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल फंक्शन है, यहाँ पे वैल्यू ये है और -1 और 0 पे, ठीक है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है और दोनों पे मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है ये बताना है, सही है। और कंडीशंस क्या दिया है कि एफ के बढ़ने का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, तो इस लाइन को कभी क्रॉस करेंगे नहीं। ये तो ओरली हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखो इसने बोला कि मैक्सिमम तो ये रेट है, मिनिमम क्या है, अगर रेट नेगेटिव हो जाए तो किस रेट से घट सकता है मिनिमम, तो वो तो इसने कुछ बोला ही नहीं। उसने बोला कि बस एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इधर तो इसने कोई बाउंड लगाया नहीं कि इससे तो ज़्यादा ही रेट है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो रेट तो हम बिल्कुल -∞ तक ले सकते हैं कि एकदम ही वैल्यू ऐसे गिर जाए, यानी कि और ज़्यादा नेगेटिव रेट आ जाए, ऐसे आ जाए, तो इस फंक्शन का -1 पे जो वैल्यू है वो तो हम जितना छोटा करना चाहें कर सकते हैं, 0 पे कितना वैल्यू है जितना छोटा करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि इन दोनों टर्म की वैल्यू इफ़ आई वॉन्ट आई कैन टेक इट अप टू -∞, ये ठीक है, ऑल द कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड, ये ठीक है। अगर मैंने बोला कि एफ डैश एक्स -5 करोड़ है मान लिया, तो ये सेटिस्फाई हो गया, सब कुछ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो -5 करोड़ को तो बहुत ही स्टीप ऐसे हो जाएगा, तो -7 से -1 तक जाने में इंटरवल का लेंथ कितना हो गया, 6, ठीक है। तो अगर माइनस क्या बोला था मैंने, -10 करोड़ मान लिया, चलो जो रेट है वो माइनस अगर 10 करोड़ है तो 6 लेंथ के इंटरवल पे कितना ड्रॉप होगा, मतलब -10 करोड़ था उसका रेट है कि एक्स को अगर हम 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो वाई 10 करोड़ यूनिट घट जाएगा, यही मतलब होता है वाई डैश के -1 होने का, तो अगर हमने एक्स को 6 यूनिट बढ़ाया तो वाई का वैल्यू -60 करोड़ हो गया, और फिर इसके आगे 0 तक जाने पर और 10 करोड़ घट गया तो -70 करोड़ हो गया, तो -1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, -60 करोड़ घटाए और पहले से -3 था तो -3 -60 करोड़ ये वैल्यू आ गई उसकी -1 पे, -3 एंड -70 करोड़
ये वैल्यू आ गई उसकी जीरो पे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला, बट ये क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को समझाना चाहिए कि अगर हम इस वैल्यू को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी तरफ ले जाना चाहूँ तो आराम से चली जाएगी ये, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या हुआ, तुक्का मारना आसान हो गया। अब मेरे को पता लग गया कि ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कहीं माइनस इन्फिनिटी आया ही नहीं इन दोनों में, ये तो फाइनाइट वैल्यूज दे रहा है। अच्छी बात है, इन दोनों में से ही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये मैक्सिमम रेट से बढ़े, और वो कितना है, दो। तो अगर ये 6 लेंथ का इंटरवल है, इसमें मैक्सिमम इंक्रीमेंट कितना हो सकता है, 12 का इंक्रीमेंट। तो एफ ऑफ माइनस वन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 12 का इंक्रीमेंट प्लस ओरिजिनल वैल्यू माइनस 3, तो कितना हो गया ये, 9। फिर एफ ऑफ जीरो का सेम लॉजिक से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये इंटरवल 7 हो गया, तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट 2 के रेट से 7 × 2 14 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये ठीक है। प्लस मतलब इंक्रीमेंट कहाँ से, इनिशियल वैल्यू से 14 ऊपर, इनिशियल वैल्यू माइनस 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 11। तो 11 और 9 कितना हो गया, 20। उसका मतलब क्या है कि इसकी एफ ऑफ माइनस वन एंड एफ जीरो की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 20 तक। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर हो गया, ए करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। लेट ए फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम 0 to 5 टू आर बी कॉन्टिन्यूस एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3। तो एक स्मॉल एफ फंक्शन है जिसका डोमेन 0 से 5 से लेके आर हो गया, एंड ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, वेल एंड गुड। और एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 3। फिर एक दूसरा फंक्शन कैपिटल एफ एक्स डिफाइन किया गया है 1 से लेके x तक, टी स्क्वायर जी टी डी टी, अच्छी बात है। फिर स्मॉल जी टी दे रखा है 1 से लेके t तक, फिर स्मॉल एफ यू डी यू, और क्या पूछा है, देन फॉर फंक्शन कैपिटल एफ x इज इक्वल्स टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इन्फ्लेक्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। जब भी किसी भी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पे या तो स्लोप 0 हो और या फिर अनडिफाइंड हो, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे इसका बेसिकली हमें ये देखना कि एफ डैश 0 हो रहा होगा, फिर ऑफ कोर्स क्योंकि चारों ऑप्शंस तो जब ही सेंस बनाएगा ना कि एफ डैश 1 0 हो रहा होगा, और उसका जो साइन चेंज होगा या साइन चेंज नहीं होगा उस हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो कैपिटल एफ फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये होगा, तो पहले हमने कैपिटल एफ के डेरिवेटिव से शुरुआत की, कैपिटल एफ डैश एक्स ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, फिर अंदर एक्स रख दिया, तो एक्स स्क्वायर जी वन, सॉरी एक्स स्क्वायर जी एक्स। हमें कहाँ पे एनालिसिस करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश 1 इज एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया इंटू जी वन। जी वन मतलब इसका वैल्यू चाहिए 1 पे, तो इसमें अगर हम टी इज इक्वल टू 1 रख दें तो इंटीग्रेशन का लिमिट सेम हो जाएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एफ डैश 1 0 हो गया तो उसका मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, और इसने फर्स्ट ऑप्शन बोला नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। फर्स्ट अब आती है बात किसकी, कि एफ डैश एक्स की जो साइन है वो कैसे चेंज हो रहा है, 1 के इधर उधर कैसे चेंज हो रहा है, हमें ये पता लगाना है, क्योंकि जी वन की वैल्यू इस टर्म की वैल्यू 0 तो हो गई ये, ठीक है, बट इसका साइन कैसे चेंज हो रहा है ये पता लगाना है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं जी डैश टी पे, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1,
फिर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है, यू के रिस्पेक्ट में, तो टी हमने यू की जगह पे रख दिया, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ यू। हमें किस चीज़ से मतलब है, बेसिकली हमें ये देखना है कि एफ डैश की वैल्यू वन पे जीरो तो हो गई, ये तो सही है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ कैपिटल एफ डैश, ठीक है, तो वन पे इसकी वैल्यू जीरो तो हो गई, अब इधर उधर देखने के साइन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके कैपिटल एफ डैश एक्स वाले एक्सप्रेशन में एक तो एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका साइन तो चेंज होगा ही नहीं, चाहे वन के लेफ्ट पे हो चाहे राइट पे हो, वो तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये जो जी है उसका साइन मेरे को देखना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कैसे होगा, तो इसलिए हमने जी डैश एक्स निकाला। और किसके आसपास चाहिए, जी का जो बिहेवियर है वन के आसपास, तो जी डैश वन विल बी एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, थ्री, सो दिस विल बी थ्री विच इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो जी का ग्राफ होगा, मतलब एक मिनट के लिए मैं जी का ग्राफ मान लेता हूँ, ये कितना है जी एक्स, वाई बराबर जी एक्स, तो वन पे इसकी वैल्यू जीरो हो गई, जी वन की वैल्यू जीरो हो गई वन पे, तभी जी वन जीरो है। बट डेरिवेटिव इसका तीन है, डेरिवेटिव तीन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनना होगा, इंक्रीज करने का मतलब तो यही होता है, तो मतलब पहले वैल्यू नेगेटिव होगी और बाद में वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। ये तीन का मतलब क्या है, तीन स्लोप की टेंजेंट बनेगी ऐसे, तो ग्राफ नीचे से ही ऊपर जा सकता है, वरना ये टेंजेंट कैसे बनेगा, और इस पॉइंट से पास भी करना है। तो जी मतलब वन से पहले जी डैश वन माइनस नेगेटिव होगा, एंड वन के बाद में जी डैश वन प्लस पॉजिटिव होगा। अब जो जी का साइन है वन पे, सॉरी जी डैश नहीं, जी जी एक्स का ग्राफ है, जो जी का साइन है वही एफ डैश का साइन होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो एफ डैश का साइन क्या होगा, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, मतलब पहले ग्राफ नीचे जाएगा फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा पे ऐसे होता है कि जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है। ठीक है, बाकी देखो करने के लिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे भी जा सकते हैं, ऐसे एनालिसिस, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के पीछे भी यही लॉजिक है जो भी हमने समझाया ना, कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए तो लोकल मिनिमा आता है, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा आता है, उसके पीछे यही लॉजिक है। अदरवाइज इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो तो ऐसे आ जाएगा टू एक्स जी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स, ठीक है, टू उसमें वन रखेंगे तो जो टू एक्स जी एक्स वाला पार्ट है वो जीरो हो जाएगा, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए लोकल मिनिमा आ जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। दिस क्वेश्चन वॉज, मतलब क्वेश्चन देखने में काफ़ी डरावना सा लग रहा है, यू भी है टी भी है फिर एक्स भी है, बट अगर हम लॉजिकली चलें कि ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन से वेरी क्लियर हो जाएगा कि हमें कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू वन के अराउंड देखना है बस, और कुछ नहीं चाहिए, वो जीरो आ ही रहा होगा, अगर वो जीरो नहीं आता तो ये तीनों ऑप्शन एक साथ खत्म हो जाते, फिर फर्स्ट ही बचता बस, फिर तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है, वो जीरो आ रहा होगा तभी इन तीन ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा। अगर मानिए इसका साइन चेंज होता ही नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता, देन इट वुड हैव बीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसमें थर्ड आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब एफ एक्स कितना लिखा है, मॉड ऑफ टू माइनस मॉड एक्स माइनस थ्री का मॉड, तो इस बाहर वाले मॉड की वजह से इसको पलट के लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का मॉड माइनस टू, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी का ग्राफ खींचते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ
ऐसे आ जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री का, f के ऊपर मॉड लगाया तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये 3 0 3। फिर इस दोनों लाने के लिए y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री माइनस टू, तो इस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट नीचे कर दिया। अब 2 यूनिट नीचे करने से क्या होगा, ये 1 तक पहुंचेगा, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कोर्स 2 हो जाएगा, और 2 यूनिट नीचे ले गए, हाँ, और ये वाला वैल्यू 5 आ जाएगा। सॉरी, ये 2 तक नहीं होगा, 1 होगा, जैसे इसको 2 यूनिट नीचे ले गए, इसका स्लोप 1 है, तो 2 यूनिट नीचे जाने पे 2 यूनिट इधर टूट जाएगा, 1 2 यूनिट इधर टूट जाएगा, तो ये 1 पे पहुंच गया, 1 प्लस पे पहुंच गया। अब इस पूरे पे मॉड लिया तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री माइनस टू का होल मॉड, तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में यही पढ़ाया जाता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 0 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5। ये वाले पॉइंट ऐसे भी ले सकते हैं, इन दोनों पॉइंट पे y 0 है तो उसको 0 कर दिया, तो मॉड x माइनस थ्री बराबर 2 आ गया, मॉड हटाया x माइनस थ्री बराबर प्लस माइनस 2 आ गया, वहां से भी 2 वैल्यूज आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है क्लियर कट, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, तो जो S बोला है उस पर ये 3 पॉइंट आ गए, ये ठीक है, 1,0 3,0, एक्स बराबर 1 3 5, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, सिग्मा मतलब सम करना है f ऑफ एक्स को, तो f ऑफ 1, जहाँ जो भी मतलब उसने ये बोला कि जहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है उन पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो रखा, फिर उसका भी एफ लिया, और ऐसे जितनी भी जगह वैल्यूज आते हैं उन सबको जोड़ना है, ये क्वेश्चन है। तो पहले अगर हमने 1 रखा तो ये आ जाएगा, फिर अगर हमने 3 रखा तो f ऑफ 3 आ जाएगा, फिर हमने 5 रखा तो f ऑफ 5 आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, अगर देखो हमने 1 रखा तो वैल्यू 0 है, ऑफ कोर्स f 0, प्लस अगर हमने 3 रखा, 3 रखने में 3 माइनस 3 0 2 हो गया, मॉड 2 हो गया, तो ये वाला वैल्यू कितना है 2, 0 रखने पे वैल्यू कितना है 1, हाँ, तो ये वाला वैल्यू हो गया f ऑफ 2, प्लस f ऑफ f5 कितना है, f5 0 है, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब f0 कितना है, अगर हम 0 रख दें तो 3 में से 2 गया 1, तो ये वाला वैल्यू कितना है 1, तो दिस इज़ 1। 2 कितना है, 2 रखें, 2 में से 3 गया 1, 1 में से 2 गया -1 का मॉड 1, ये भी 1 है, तो आंसर कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होगा, इंटीजर टाइप, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3। दिस वॉज 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 6th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच 4α-1 2e^-α mod x dx = 5 इज सिंपल। एक अल्फा अननोन में इक्वेशन लिखा हुआ है, वो इक्वेशन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन, बस वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या नहीं करेंगे, देखो इसने ये बोला है कि अल्फा की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, हम ऐसे बेवकूफ़ी नहीं कर सकते, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों तरफ, ये ठीक है। अगर कोई हमसे बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो x²-2x = 0, तो हम ऐसे थोड़ा कर सकते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, क्यों कर दें डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन तो हम जब करते हैं जब वो ये बोले कि दिस इज एन आइडेंटिटी, मतलब हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है x²-2x = 0, मान लीजिए ये लिखा है, तो ये तो x की केवल 2 वैल्यूज के लिए बराबर है, 0 और 2 के लिए, बाकी कभी तो बराबर है ही नहीं। तो अगर केवल 0 और 2 के लिए बराबर है तो उसके इन्हीं दो मतलब इन्हीं दोनों को रूट्स बोलेंगे, दिस इज एन इक्वेशन नॉट एन आइडेंटिटी।
अगर मान लिया मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर ब्रैकेट में से एक्स कॉमन ले लें तो एक्स इंटू एक्स माइनस टू, तो ये आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। मतलब हमने क्या बोला कि एक तो अगर हम ऐसे लिख दें ये इक्वेशन है, और एक अगर हम ऐसे लिख दें ये आइडेंटिटी है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। अगर आइडेंटिटी है तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों तरफ। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एक ही चीज़ लिखी हुई है। इक्वेशन का मतलब क्या है, ये एक ही चीज़ नहीं लिखी हुई है, इसने तो केवल ये बताया कि एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों बराबर है। तो ये भी हमारा सबसे पहली बार इक्वेशन है, ठीक है। मतलब ये हमें इवेल्युएट ही करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। इवेल्युएट करने के लिए मॉड हटाना पड़ेगा, ये ठीक है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, एक्स, तो ये किसकी वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू। तो मॉड हटाने के लिए मेरे को बस ये पता लगाना है पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है। तो माइनस वन और टू के बीच में जीरो है, बिल्कुल है, तो इसलिए फोर अल्फा माइनस वन से जीरो एंड जीरो से टू, यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है। माइनस वन से जीरो में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा, तो मॉड हटाएंगे तो बाहर माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस ऐसे हो गया, ऑफकोर्स यहाँ माइनस नहीं आएगा तो ऐसे हो गया। अब इंटीग्रेट कर लिया, दिस इज फोर अल्फा ई रेज टू पावर अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा फ्रॉम माइनस वन से जीरो, प्लस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन माइनस अल्फा फ्रॉम जीरो से टू, ये ठीक है, बराबर फाइव। तो ये जो अल्फा कॉमन है इसको निकाल सकते हैं, तो ये हो गया फोर टाइम्स जीरो रखा यहाँ पे, तो वन माइनस वन रखा, तो माइनस ई रेस्ट पर माइनस अल्फा ये आया, इस माइनस की वजह से यहाँ बीच में माइनस आ गया, टू रखा इसमें तो ई रेस्ट पर माइनस टू अल्फा, फिर जीरो रखा तो माइनस वन बराबर फाइव ये आ गया, ठीक है। तो माइनस से तो ये पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर टाइम्स एक प्लस एक दो, माइनस इतना माइनस इतना, ठीक है। अब इसको मैं एक मिनट के लिए टी बोल दूं तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो सारे टर्म्स को उधर ले गए, तो ये फोर टी स्क्वायर यहां से आ जाएगा प्लस फोर टी, एट उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस थ्री बराबर जीरो, तो यहां से टी बराबर माइनस ए प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू इंटू फोर, सो दिस इज इक्वल टू फोर फोर, याद आएगा माइनस वन प्लस माइनस टू अपॉन टू, ठीक है। हाँ, तो एक बार माइनस लिया तो माइनस थ्री बाई टू, प्लस लिया तो हाफ। टी किसको बोला है, ई रेस्ट पर माइनस अल्फा को, तो माइनस थ्री बाई टू एंड हाफ, माइनस थ्री बाई टू हो नहीं सकता, तो वन अपॉन ई रेस्ट पर अल्फा बराबर वन अपॉन टू, तो ई रेस्ट पर अल्फा बराबर टू, लॉग लिया तो अल्फा बराबर एल एन टू, तो एल एन टू का मतलब क्या हो गया कि आंसर कितना हो गया, फोर, फोर्थ आंसर हो गया हमारा। कि कुछ भी नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना था, इसमें ऐसा कुछ कैलकुलेशन से मतलब कैलकुलस से कोई लेना देना नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइव, तो एफ एक्स क्या है, फाइव डिग्री पॉलिनोमियल, ये ठीक है। फाइव डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि f के अंदर x रेज टू पावर फाइव का मैक्सिमम टर्म आ सकता है, उससे बड़ा नहीं आ सकता, और मतलब x रेज टू पावर फाइव फिर पक्का आएगा ही आएगा, और जो उससे छोटे वाले एक्सप्रेशन हैं वो आ सकते हैं, ये ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म तक आ सकता है। फिर आगे क्या बोला है, सच दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आर इट्स क्रिटिकल पॉइंट, तो प्लस माइनस वन क्रिटिकल पॉइंट होने का मतलब क्या है कि f डैश x का वैल्यू प्लस माइनस वन पे जीरो हो रहा होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो के दो रूट आ गए, माइनस वन एंड वन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सच दैट क्रिटिकल पॉइंट एंड लिमिट
एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, और फिर कितना आ गया, टू प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब बराबर फोर। इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखो ये तो दो फालतू दे रखा है, इस दो को धर ले जाओ, तो ये हो गया लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स जीरो और एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब बराबर दो, ठीक है। यहां से हमें एफ एक्स के बारे में क्या पता लगेगा, वेरी सिंपल, एफ एक्स में एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आना चाहिए। अगर मान लिया एफ एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस फाइव ऐसे कुछ करके आ गया, तो जो सबसे छोटा डिग्री का टर्म है वही डोमिनेट करेगा। अगर वो डोमिनेट करेगा तो उसके कंपेरिजन में बाकी निगलेक्ट हो जाएंगे। तो मान लिया इसमें सबसे छोटा टर्म एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में एक्स क्यूब एक्स एस्ट पावर फोर एक्स एस्ट पावर फाइव तीनों निगलेक्ट हो जाएंगे। अगर वो निगलेक्ट हो गए तो फिर तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब में ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, नीचे एक्स बचेगा, वैल्यू इन्फाइनाइट को जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। वेरी सिंपल, लिमिट का कॉन्सेप्ट है, पढ़ा रखा है। लिमिट में वैसे हमने कुछ ऐसे बोल रखा है कि लोअर डिग्री अपॉन हायर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक्स जीरो को जा रहा है, हायर डिग्री अपॉन लोअर डिग्री जीरो आएगा, ये ठीक है, अगर एक्स जीरो को जा रहा है, और इक्वल डिग्री का टर्म है ऊपर नीचे, तो फिर आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आएगा। तो हमारे केस में बेसिकली आंसर नॉन जीरो फाइनाइट ही है, तो उसका मतलब है इसका इफेक्टिव डिग्री, ये डिग्री नहीं, पॉलीनोमियल की डिग्री नहीं, इफेक्टिव डिग्री। इफेक्टिव डिग्री हम किसको डिफाइन करते हैं, कि जो भी डोमिनेटिंग टर्म है, तो जो इसमें डोमिनेटिंग टर्म होगा उसका डिग्री तीन ही होना चाहिए, ठीक है। सीधा सीधा सा इसका मतलब यह है कि एफ एक्स, देखो आंसर दो कब आएगा, जब ऊपर टू एक्स क्यूब लिखा हो, तो टू एक्स क्यूब लिखा होना चाहिए, ये ठीक है। अब एक्स क्यूब से बड़ा चाहे कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे बड़ा जो आएगा एक्स एस्ट पावर फोर एक्स एस्ट पावर फाइव वो इसके कंपेरिजन में निगलेक्ट हो जाएगा, इससे छोटा आना नहीं चाहिए, वरना ये खुद निगलेक्ट हो जाएगा, तो फिर वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो टू एक्स क्यूब से क्या होगा, अपॉन एक्स क्यूब जब करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर दो आ जाएगा। तो इसने तो हमें ये लिख के दे दिया कि एफ एक्स इतना होगा, प्लस आगे बोला कि जो लिखना चाहे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कंपेरिजन में वैसे ही निगलेक्ट हो जाएगा। तो टू एक्स क्यूब, अब पांच डिग्री का पॉइनोमियल बोला है, तो कुछ एल्फा एक्स एस्ट पावर फोर प्लस बीटा एक्स एस्ट पावर फाइव, ये दो और आ गया हमारे पास, ठीक है। अल्फा बीटा चाहिए, उसके लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो दो इन्फॉर्मेशन ये है, आराम से सॉल्व हो जाएगा कि एफ डैश वन जीरो होना चाहिए अगर इसका रूट है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके वन रखा तो यह आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एल्फा एक्स क्यूब प्लस फाइव बीटा एक्स रेस्ट पावर फोर, इसमें वन रखा ये डेरिवेटिव आ गया, तो वन रखने से ये कितना हो गया, सिक्स प्लस फोर एल्फा प्लस फाइव बीटा बराबर जीरो। फिर एफ डैश माइनस वन भी जीरो हो गया, तो एफ डैश तो यही रहेगा, बस एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे, माइनस वन रखेंगे तो ये सिक्स ही आएगा, ये माइनस फोर एल्फा हो जाएगा, ये प्लस फाइव बीटा ही रहेगा बराबर जीरो। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो अल्फा गायब, ये बारह ये दस, मतलब बीटा बराबर माइनस सिक्स बाई फाइव, अल्फा बराबर ज़ीरो। तो इन सब से हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, टू एक्स क्यूब और माइनस सिक्स बाई फाइव एक्स रेज टू पावर फाइव, ये हो गया। तो इसने क्या बोला कि अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, पहला एफ एक्स इज ऑड, सही बात है, ऑड फंक्शन तो है ये, बट हमें नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट तो सही हो गया, एफ ऑफ वन माइनस फोर एफ ऑफ माइनस वन चार होगा, तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, वन रखने पे टू माइनस सिक्स बाई फाइव मतलब फोर बाई फाइव, एफ ऑफ माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस फोर बाई फाइव, ऑड फंक्शन है तो एफ वन ये ठीक है फोर बाई फाइव माइनस फोर टाइम्स एफ ऑफ माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया सोलह और चार बीस,
बटे 5 इज 4, तो ये भी सही है ये, ठीक है। अब 1 पे मैक्सिमा है और मिनिमा है, यही सब बताना है बस, केवल अल्टीमेटली मेरे को ये बताना है कि 1 और -1 पे किस पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या निकल के आया था, ये 6x² प्लस 4α x³ प्लस 5β x^4 ये आया था। अब इसमें हमने अल्फा को 0 रख दिया और 5β को -6 रख दिया, तो यहाँ -6 रख दिया, तो 6x² -6, दिस इज 6x² कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसे आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए तो हमें साइन चाहिए -1 1, ठीक है। 0 पे वैसे साइन चेंज होगा नहीं, दिस इज साइन ऑफ एफ डैश। क्यों साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 पे इवन पावर है, ठीक है। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखी तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो -1 पे नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है, मतलब पहले ग्राफ नीचे गया फिर ऊपर गया, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा एंड 1 विल बी लोकल मैक्सिमा। तो इसमें हमें गलत बताना है, तो इसने क्या बोला कि 1 मैक्सिमा होगा, तो 1 मैक्सिमा एंड -1 मिनिमा, 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो थर्ड वाला गलत हो गया। थर्ड वाले का मतलब ऑप्शंस गलत है।